अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मेरी आवाज, वीडियो, ऑडियो सब आ रही है? कोई रिप्लाई करे, मैसेज करें। कैसे हैं आप सब? इसका मतलब आवाज नहीं आ रही है मैम। आपका माइक बंद है, आवाज नहीं आ रही। ओह, ये सही कह रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक मैम, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, कोर्स पूरा हो गया जी। कैसी हैं लीला, रिमशा, नादिया जी? आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नादिया कैसी हैं? रिमशा कैसी हैं? आज भी दो तीन लोग नहीं है ना? आज बाकी सब को भी, जैसे मैंने कहा था कि कोर्स तो कवर हो गया है, हमने मेडिटेशन भी गाइडेड काफी कर ली। तो नादिया, वालेकुम सलाम। तो आज का जो जो आज की क्लास होगी उसमें डिस्कशन है और आंसर क्वेश्चन है, और अपने एक्सपीरियंस कैसा लगा, क्या सीखा। क्योंकि जो एक्सपीरियंस होते हैं वो दूसरों के लिए होते हैं। जब हम शेयर करते हैं तो हम जो भी नॉलेज हो वो हमारे पर कर्ज होता है कि हम एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो जो आपने स्किल, जो नॉलेज आपके पास है, जब आप यहाँ पे शेयर करेंगे तो सुनने वाले जो दूसरे हैं उनके लिए मोटिवेशन भी होगी। तो कोई क्वेश्चन है तो वो भी बताएं, और कोई क्यूरी है, आपका अच्छा एक्सपीरियंस है वो भी बताएं। तो पहले कौन बताएगा? शुरू करते हैं ना आज, क्योंकि टाइम जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो आप सारे अपना अपना एक्सपीरियंस बताएं, अपना अपना कैसे, जैसे स्टार्ट में हमने इंट्रोडक्शन लिया था उसमें भी हमने बहुत कुछ सीखा एक दूसरे से, और आज जो एंड की क्लास है उसमें भी हम एक दूसरे से काफ़ी सीखेंगे। क्वेश्चन है तो वो भी पूछे। मैम, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ थॉट्स के बारे में जो है ना, थोड़ा सा टिप्स दें कोई। वो जो है ना, अभी तक मैं समझ नहीं आ, ये तो समझ आ गया, अवेयरनेस आ गई कि जो है ना, मतलब आप किसी के बारे में सोच रहे हो, कोई आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन आप उसको पकड़ोगे कैसे कि मतलब आपने पहले सोचा, उससे पहले सोचा? ऐसा आपने बताया था ना कि चीजें हो तो जाती है सिंक्रोनाइज, आप भी सोच रहे हो तो वो भी सोच, या एक बात चीजें बोल, लेकिन वो कुछ ऐसी टिप्स हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि मतलब ये क्वेश्चन आप मेरी थॉट पे अच्छा, और इस क्वेश्चन का आंसर रेला देंगी क्योंकि वो ये प्रैक्टिस कर रही है। कैसे रेला, आप अगर इस सिचुएशन में हैं तो इनको बताएं कि कैसे पता चले कि जो थॉट मेरे माइंड में आई है वो मेरी है या किसी की। जी मैं बिल्कुल, ये इन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा है, बहुत देर में इस क्वेश्चन को लेके ना इस पे फंसी रही थी काफी टाइम ना। बताएं कि कितना टाइम लगता है और खुद ही इसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, क्योंकि ये आपके तरीकेकार है ना फिर। जी बिल्कुल, ये हर किसी का ही मुझे लगता है अपना अपना ही है, लेकिन इस चीज पे पता तो चलना शुरू हो गया था। वो चीजें तो होती थी, जैसे कि आप कुछ सोच रहे हैं और थोड़ी देर के बाद वो काम हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन थी कि ये उसका माइंड था या मेरा माइंड था। इस पे तो मैं काफी टाइम इस चीज में रही हूँ ना जी, बिल्कुल। फिर ये था, टाइम के बाद मेरे बॉडी पार्ट्स जो थे ना उनसे मुझे पता चलना शुरू हुआ, जब मैं तो इनका ऑलरेडी कोर्स कर चुकी हुई हूँ पहले से ना, तो किसी एक पार्ट से बहुत ज्यादा हीट निकल रही है और साथ में आपको वाइब्स आ रही हैं, और जिस पर्सन की आ रही हैं वहां से फिर वो गैस होता है कि हाँ ये चीज है और ये इसकी थॉट है ना, वो साथ ही उस पर्सन का ख्याल आ जाता है। ख्याल आ जाता है, एक ख्याल आता है, बॉडी पार्ट भी बता रहा है ये है थॉट करना जो पूछा है। माशाल्लाह सना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आप ये बताइए, अपना ये बताएं कि कैसे, कितने अरसे बाद आपको ये चीज ये फिर क्लियर हुई, और पहले तो आपने थॉट सारी रोकी, ये इनको बताएं कि शुरू में तो ज़्यादा थॉट्स ही ज्यादा अच्छी हैं, तो कितने अरसे तक ये थॉट्स रोकी ये, क्योंकि ये फोकस है। एक नेगेटिव थॉट को 6 पॉजिटिव थॉट के साथ रिप्लेस करना है, तब जाके आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा सबकॉन्शियस है वो पेट रास्तों पे, पेट चीज़ों पे चलता है, वो उसने जो सीखी हुई है उसके लिए आसानी होती है। तो जब उसको ये मुश्किल होती है कि अब उसने जो है ना एक को पाँच के साथ, छः के साथ रिप्लेस करना है, तो वो भी छोड़ देता है, वो नेगेटिव को लेके ही नहीं आता। तो कुछ देखें, जो कोई भी हैबिट बनानी है तो 7 days, पहले तो 3 दिन है, 3 दिन कोई भी बंदा 2 दिन काम करके तीसरे दिन वो लेजी हो जाता, कोई ना कोई रीजंस जवाब ढूंढ के वो काम नहीं करता। फिर जो बंदा
तीसरे दिन से चौथे दिन तक चला जाता है तो इसका मतलब है कि वो अपने ऊपर उसने कंट्रोल कर लिया। वो कोई एक्सरसाइज हो, कोई हैबिट चेंज करनी हो, कोई काम करना हो, फिर उसके बाद 7 डेज हैं, फिर 11 डेज हैं, 21 डेज जो चीज़ कर लेते हैं तो वो हमारी हैबिट में आ जाती हैं। तो इतना हर दिन अगर हमने कोई एक चीज़ पकड़ ली कि आज के दिन मैंने गीबत नहीं करनी, सारा दिन वो अपने आप को, वो सुबह उठते ही अपने आप को अफर्मेशन दे दे कि मैंने आज गीबत नहीं करनी और मैंने मैनिपुलेशन नहीं करनी, मैंने आज झूठ नहीं बोलना, तो कोई एक पूरे दिन के लिए पकड़ लें तो वो 21 दिन जो है ना, एक चीज़ जो है ना रोज़ाना खुद को याद दिलाएं वो मैंने नहीं करनी थी। करने वाला जो आपके साथ दूसरा होगा उसको बोले नहीं मैं गीबत नहीं करती। आप जो है ना गीबत अगर होगी, गीबत हम सबको पता है कि जो किसी की वीकनेस है, जो उसमें मौजूद है, वो हम कर रहे होते हैं, तो उसको अगर हम दूसरे को भी रोकने को बोलेंगे, खुद भी बोलेंगे, तो आहिस्ता 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 जो है ना वो हैबिट बनेगी। इसी तरीके से जब हमने जो अक्ल सलीम की इसमें बात की थी कि ये बहुत ज़रूरी है, टूल तो हम सबको मिल जाता है, हमारे हम जो है ना कहीं भी कोर्स करें, खुद जो है ना फोकस वाली एक्सरसाइज करें, वजीफे करें, रेपिटेशन करें, कोई चीज़ें जो टकराती हैं, रेपिटेशन से टकराती हैं, टकराने से देखें जो जो बिजली बनती है वो कैसे बनती है, वो पानी गुजर रहा है और वो प्रेशर से गुजरता है तो वो एक मालिक्यूल दूसरे से टकराता है, वो टकराया तो बिजली बनी, तो हमने टकराने से नूर बनाना अपने अंदर, तो वो चाहे हम कोई रेपिटेशन से, ये तो रूहानी तो किसी भी मतलब मज़हब से इसको कोई नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी हर मज़हब में है, तो वो जो चीज़ें कोई भी आप तरीक़ेकार करें, रेपिटेशन करें, तो उससे आपको आपके अंदर चीज़ें स्किल तो आ जाएगी। असल चीज़ है कि हमारी नेचर को प्योर करना। तो नेचर को प्योर हम कैसे करेंगे, हम अपनी थॉट्स को कंट्रोल करेंगे, हमारी हैबिट्स जो बनी हुई हैं, जो हमारे जो 3 E होते हैं, हम 3 E के साथ अपना जो एक्सपीरियंस, जैसे एजुकेशन से, एक्सपीरियंस से और इन्वायरमेंट से, 3 चीज़ों से हमारा जो है ना पर्सनैलिटी बनती है कि हम वहाँ से चीज़ें लेके आते हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं जो बचपन से हमें बनती हैं वो हमारे इन 3 E से बन के आई। अब वो इन 3 में क्या वो करेक्ट थी, कैसे थी, क्या वजूहत थी, वो कंडीशन जो हम हुए उसको, उस कंडीशन को जो हमारी एसोसिएशन बन चुकी, जो हमारा एंकर हो चुका है, उसको जब हम चेंज करेंगे तो हम जो है ना प्योरीफाई करेंगे खुद को। तो इसमें सारा हमने खुद पे काम करना है, जिसमें मैंने ज़्यादा जोर इसलिए दिया तो टूल तो आ जाता, हम काम भी करने लगते, लेकिन वो कहीं हमारी आखिरत ना ख़राब हो जाए। दुनिया में तो हमें वो सारे काम हमें जो चाहेंगे कर लेंगे, दूसरों की थॉट्स, दूसरों का दिमाग भी हमारे कंट्रोल में होगा, मैसेज भेज के हम काम भी कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हमने सोचना है कि हम कोई ऐसा हमारे अंदर ना हो कि हमारा जो तअस्सुब कहते हैं सोच का कॉग्निटिव बायस ना हो। तो इसलिए जब हमारी सारी जो जो माशर्ती बुराइयां हैं वो जब हम क्लियर कर लेंगे तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा कि कहीं हम किसी के लिए गलत ना करें। हमसे ज़ाहिर है जब इतना आपका टूल काम करेगा तो आपके इर्द गिर्द भी लोग मिलते हैं, उनको भी आप कोई ना कोई मशवरा देंगे, वो आ जाता है ऑटोमेटिकली, तो उसमें कोई हमारी सोच का तासब ना हो, बायसनेस ना हो। तो इन सारी चीज़ों के लिए सोच के ऊपर जो है ना उसको पकड़ना और उसको कंट्रोल करना कि ये मेरी अपनी सोच है या किसी की है, तो उसमें भी जो चीज़ ज़्यादा है कि सोच को पकड़े नहीं, जो हमने सीखा कि जो हमने मेडिटेशन की कि अपनी सांसों के साथ फोकस इसीलिए करवा के मेडिटेशन वो कराई कि हम जब सांसों के साथ रहेंगे तो सोचें ऊपर से गुजरती रहेंगी, वो एक गुजर जब गुजर गुजर के तो सोचें इतनी कम होंगी कि हम बिल्कुल प्योर हो जाएंगे, तो वो जाके हम जो है ना डेल्टा फेज में जाएंगे, अल्फा फेज में जाएंगे, तो हमारे लिए वो जो हम देखेंगे वो चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में आएंगी तो वो बिल्कुल खालिस होंगी। तो उसमें सोचों को ही ख़त्म करना है, सोचें जो होती हैं जब सोचों के लेवल पे रहेंगे तो हम तो दुनिया में लेवल पे रह जाएंगे। तो हमने जो कुछ भी सीखना है उसका दोनों जान में इधर भी फ़ायदा और वहाँ भी फ़ायदा। तो अब मेरे ख्याल से समझ आई है कि हमारे अपने बॉडी पार्ट्स बताएंगे, साथ ही उस पर्सन का ख्याल भी आए, वो तभी आएगा कि जब मैं हर वक्त माइंडफुलनेस में हूँ, मैं जो काम कर रही हूँ मेरा पूरा ध्यान उसी में था, मैं कोई और एक सोच पकड़ के, अक्सर जो हम सब को जिसको OCD भी बाद में बन जाता है, लेकिन पैटर्न यह है कि हम सब जब भी कोई चीज़ सीखते हैं तो रेपिटेशन से सीखते हैं, तो हमारे माइंड की ये एक पैटर्न बना हुआ है कि हर चीज़ को वो दिमाग में बार बार दोहराता रहता है। तो इसलिए चीज़ों को दिमाग में जो दोहराने की आदत है जब वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब कभी आपने किसी चीज़ का प्लान करना है, कोई आपने काम करना है, तो उस दौरान जो आपने 4 डायमेंशनल से चीज़ को सोच के
तो जो फैसला कर लिया बस वहां पे खत्म हो गया। अब जो काम जब करना है तो उसकी प्रेपरेशन करनी है और वो काम पे उस पर हार्डवर्क करना है। तो फिर इस तरह से आदत बनेगी कि नॉर्मली तो माइंड खाली है, समझ ले कि वो हर चीज की एक आपका एक रूम है। फैमिली के लिए जब सोचना है तो एक टाइम निकाला हुआ है कि इस टाइम पे मैंने फैमिली के लिए सारी चीजें सोचनी है, सोच के वहीं पे खत्म, उस रूम को ताला लगा दिया। जब ऑफिस में गए, ऑफिस के वर्क में सोचना है तो वो ऑफिस के वर्क का सोचा, वही काम किया, उसके घर आया तो वहीं पे ताला लग गया, उसको आपने लॉक कर दिया। यूं से इंसान समझ ले कि हम मल्टी पर्सनैलिटी है। जब अब मैं मदर के रोल में आई तो मैं टोटल मदर हो गई, जब मैं जॉब में गई तो मैं जॉब का पर्सन बन गई, जब मैं किसी की रिले कजन की और लाइफ में जो सोशल रिलेशन होते हैं उनमें गई तो उनका ही बंदा पर्सन हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इतने फेस बना लेने, इसका मतलब ये है कि हमने हर चीज को अलग से रखना है, हमने तो तसब नहीं होना। जी जी, मैंने कहा इधर बोलो, मेरे ना थोड़े गेस्ट आ गए हैं, थोड़ी सी इस वजह से मैं बिजी हो गई हूँ, लेकिन मैं बता दूं, अभी आपकी बात से मुझे एक बात याद आई थी कि ये सिर्फ अपने पे ही हमने काम करना है और इतना काम करना है, ये कोई एक दिन दो दिन से कुछ नहीं होता, ये तो कंटिन्यूअसली आप जब अपने पे काम करते हैं, आप इतना कॉन्शियस रहते हैं, कॉन्शियस लेवल पे जाके ये जब ये चीजें होती हैं तब हर चीज आपको क्लियर होती है। वो जो आप कहती है ना कॉन्शियस के साथ आपका अनकॉन्शियस लगता है, फिर ये वो चीजें वो आती हैं। और जो हमने मिरर वर्क किया था उसमें सोचों पे ही तो काम किया था, ज्यादा मैंने वहां से सीखा जब मैंने इनका मिरर वर्क इन्होंने करवाया था, इनर वेलनेस के कोर्स, वहां से जब एक हमारा लेक्चर था उस दिन सिर्फ वो थॉट्स पे था कि हमने अपनी थॉट्स को कैसे प्योर करना है। फिर मैंने इनसे इनकी NLP भी की, वहां से भी मैंने बहुत सी चीजें सीखी, तो सब मिल मिला के जो है ना तब आप किसी एक लेवल पे जाके खड़े होते हैं, किसी एक चीज से नहीं वो हो रहा होता। अब वो NLP भी ऐसी है, वो भी न्यूरोलैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उसमें भी पूरा आपका दिमाग के कितने टूल्स आ रहे होते हैं, जैसे आप बता रहे हैं जो मूड स्विंग का, जैसे मैंने सीखा था कि वो हर इमोशन 10 मिनट का होता है, उसको कैसे डील करना है। फिर मिरर वर्क में चीजें थी, फिर टेलीपैथी में थी, वो मैंने तो इन तीनों को मिला के तो मैं अब किसी एक लेवल पे पहुंची हुई हूँ, फिर सब खुद ब खुद लग जाता है। टेलीपैथी के जो लेक्चर्स हैं आप वो भी देखनी, आज भी आपने एक पे कमेंट किया। जी जी, मैं अभी तक वो चीजें देख रही हूँ, अभी तक सीख रही हूँ और बड़े टाइम से सीख रही हूँ। सही, चलें, गुड, थैंक यू, आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, नाइस। जी कोई और क्वेश्चन? जी सना, और आप अपना बताएं कैसा लगा, और कुछ मेडिटेशन में कहाँ फंसे हैं, कितना हो रहा है और कैसे मेडिटेशन डेली कितनी कर रहे हैं, विजुलाइज कितना हो रहा है, फोकस कितना और रिलैक्सेशन कितनी है। यही चीजें तीनों चलेंगी, आप दिन में कम से कम 3-3 मिनट ही कर लें, 5-5 मिनट कर लें, 5 मिनट फोकस कर लें, 5 मिनट विजुलाइज कर लें और 5 मिनट रिलैक्सेशन। पहले तो रिलैक्स होंगे तो भी इमेजिनेशन भी होगी, विजुलाइजेशन होगी और फोकस होगा। तो यही चीजें हैं और लाइफ में बहुत सक्सेस होते हैं, अपने ऊपर भी अप्लाई होती हैं, दूसरों के लिए भी अप्लाई होंगे। जी कोई और क्वेश्चन करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, बताएं। वो रणबीर भी नहीं आ जाए, वो भी काफी इन चीजों में आगे हैं, उनसे भी कुछ सुनते और कुछ उनका एक्सपीरियंस भी हम बाकियों को भी उससे फायदा होता। जी बताइए। मैम एक एक्सपीरियंस में एक शेयर करना चाह रही थी कि जो है वो हालांकि मतलब फनी सी स्टोरी है, जो भी है वो आपको जब चीजें अवेयर हो जाते हैं तो फिर वो ये चीजें ज्यादा नोट कर रहे होते हैं ना, वैसे तो नहीं कर रहे थे। असल में हमारे ना हमारे ऑफिस में काफी अच्छे से ना एक डिनर का प्लान बन रहा था, सॉर्ट ऑफ कब से बन रहा है। अच्छा वो हुआ भी इत्तफाक से ये कि तीनों दफा जब भी प्लान बना है ना तो लिटरली जो है ना वो उसी वक्त पता नहीं वो दिन ऐसा सिलेक्ट करते थे, मेरा मूड नहीं होता था तो, लेकिन जो है ना मैंने सब पूरा डिपार्टमेंट जब तो मैं ओके मुझे बोलना पड़ता था कि अच्छा चलें ठीक है कर लें सही है। अच्छा अब वो तीनों दफा ऐसी हुआ है कि जो है ना अभी लास्ट टाइम भी हुआ, कल परसों की बात है, तो जो है ना इवन जो है ना मुझे स्पेसिफिकली सबने पकड़ के बोलना शुरू कर दिया है। तो वो मैं सोच रही थी, मैंने कहा कि हालांकि अच्छा होता भी पता है क्या है, जो हमारे मैनेजर है ना
उनकी तबीयत खराब होती है स्पेसिफिकली, और अच्छी वाली, मतलब अभी तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका किडनी का ऑपरेशन तक ना डॉक्टर ने बोल दिया इन्फेक्शन हो गया कुछ, और वो बाकी में फिर जो है ना, मुझे जैसे लोगों ने बोला भी, वो तो ऐसी मजाक में बोल रहे थे, लेकिन मुझे जो है ना, मैं खुद भी सोच रही हूँ, मैं कहा हालांकि यार मेरी इंटेंशन बुरी नहीं थी, मैंने ये नहीं कहा था कि कोई बीमार पड़ जाए, लेकिन हाँ मेरी इंटेंशन ये जरूर थी कि प्रोग्राम कैंसिल हो जाए। वो तो देखिए वो अल्लाह की तरफ से था, वो जो सिंक्रोनिसिटी हुई वो अल्लाह की तरफ से थी कि उसी दिन वो ऐसी चीज, यू नो डेफिनेटली उनकी जो डिजीज है वो तो प्रोसेस हो रही थी, वो किसी ना किसी वो जो उनका होना था तो वो एग्जैक्ट उस दिन, लेकिन वो सिंक्रोन आ गया ऐसे ही, और वो एक दफा नहीं तीन दफा, मतलब सेम सिमिलर सिचुएशन हो रही है ना, वाकई में सोचने बैठ गई मैं कि यार वाकई ऐसी है कि मेरी खुद नियत नहीं होती थी कि नहीं यार मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, और वो इत्तफाक से खुद ही और वो हो भी उन्हीं पे रहा है खाली, बिल्कुल, और भी कोई और कोई चीज नहीं आ रही है कैंसिल हो रहा है, सिर्फ उसी पे हो रहा है कि वो बीमार पड़ जाते हैं। देखें सिर्फ आपकी सोच की वजह से तो कितना भी काम कर रहा है, मतलब उसमें तो आपने मतलब बैठ के वो विजुलाइज करके नहीं किया, नहीं किया एग्जैक्टली, तो ये इतना हो जाता है कि आप देखे, मैं क्या कहती थी, एक सोच गुजरेगी वही बुरा है ना, वही मैं कह रही हूँ कि मैंने कुछ, हालांकि वो पहले भी चीजें शायद होती रहती होंगी, लेकिन अब शायद हमने पढ़ लिया, अवेयरनेस आ गई है, तो वो फिर बैठ के वाकई में सोच रही थी, मैंने कहा कि यार मतलब वाकई कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि मेरी कुछ नेगेटिविटी जा रही है या कोई ऐसी चीज हो रही है, मैं कह रही कि मेरी इंटेंशन तो सही थी, इंटेंशन तो मेरी पूरी नहीं थी। हर इंसान देखिए आपकी इंटेंशन पॉजिटिव है, हर इंसान जो भी करता है उसकी इंटेंशन जरूर पॉजिटिव होती है, क्योंकि वो अपनी तरफ से बेहतरी सोच रहा होता है, तो इसमें आपकी नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन जब जिस चीज में आपकी विलिंग नहीं है, आपकी सोच की पावर दूसरों की सोच से ज्यादा आगे है, क्योंकि आप फोकस, तो इसका मतलब आपकी सोच का जो होगा वो ज्यादा काम करेगा, हालांकि वहाँ कितने लोग हैं, लेकिन उनकी सोच जिस बंदे की फोकस्ड हो जाता है ना, मैंने बताया ना कि उसकी जो नजर भी किसी पे पड़ेगी तो अच्छे बुरे ये सोच फोकस की आप चीज आपने आगे और चाहेंगे वही होगा, जो नहीं चाहेंगे वो नहीं होगा, तो हमेशा पॉजिटिव रहे, फोकस रहे कि मैं क्या और वही सोचूं कि हमने अपने आप को प्योर कर दें, सोच के कि कहीं मेरी सोच में तासर अपने लिए ना हो, किसी और के लिए ना हो, इसी बस इसी जिम्मेदारी है ना, वैसे भी जो है आधे को प्यार दिया तो हमने भी वो चुका, तो हमने ये तो गायब हो गया, गायब के बाद तो हम तो इस सब लेवल पे लेवल है जो तक है वो उनसे शेयर करते, तो उससे हमारा वो जो जब मैंने ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट इन्हें इस क्लास में हुआ है, जैसे कि नॉन वर्बल का जो आपने बताया था, जब उन चीजों पे हम स्टॉप लगाते हैं ना, फिर तो आपकी थॉट ऐसी प्योर होती है, फिर तो आप सोचते हैं तो फौरन काम होता है, लेकिन जब तक हम वो रहते हैं ना चीजों के साथ, वो इतनी नेगेटिविटी आती रहती है, जितनी नेगेटिविटी होगी उतना ये लेट प्रोसेस फिर स्लो हो जाता है, जितना आप प्योर होते हैं पॉजिटिव होते हैं तो ये बहुत फास्ट काम करती हैं चीजें, वो अपना इमोशन जो है ना पूरा पॉजिटिव होगा तो ये बहुत फास्ट जाती है। ये बताना चाह रही है उसमें यही है कि जब मेरी एनर्जी लो होगी, जैसे इमोशनल मैंने बताया था, मैंने डिफरेंट इमोशन की एक स्लाइड भी दिखाई थी कि उसकी क्या क्या फ्रीक्वेंसी है और इसकी रेंज क्या, क्वांटिटी क्या है, वो रिग्रेट की 30 थी, सैडनेस की 20 थी, और जो थैंकफुल है उसकी 700 से 900, ये चीजें थी, और जायफुल में जब होते हैं तो इतनी। तो जब हम पूरी तरह से अंदर से प्योर होंगे, कोई रिग्रेट नहीं होगा, कोई सैडनेस नहीं होगी, तो हमारा इमोशन जो है वो पूरा प्योर होगा, हमारा ऑरा जो है वो पूरी तरह प्योर होगा, तो उसमें जो हम थॉट किसी को भेजेंगे, जो हीलिंग भेजेंगे, वो फौरन से फौरन जाएगी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये इनको शायद बताया कि नहीं, उसमें ये है, वो एनएलपी के कोर्स में आता है,
कि हमारी जो वर्ड्स, जो हमारा दिमाग किस तरह से लैंग्वेज को प्रोसेस करता है, तो जो वर्ड्स होते हैं वो हमारा दिमाग 7% प्रोसेस करता है, और जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो 58% करता है, और जो टोनैलिटी है, जो मैं, मेरी आवाज़ गुस्से वाली है, पीक पे लेवल पे है, कम है, ज़्यादा है, ये चीज़ें हमारा माइंड जो है ना वो प्रोसेस करता है, वो 38%। हम सोचते हैं कि हम किसी को अल्फाजों के साथ बड़े प्यार से बोलें तो बॉडी लैंग्वेज हमारी वो ना दिखाए, बॉडी लैंग्वेज हमारा सार्केज़म दिखाए, एक तंजिया अंदाज हो, तो प्रोसेस क्या होगा? बॉडी लैंग्वेज 58% है, बंदे को बात वो समझ आ जाएगी जो मेरी बॉडी दिखा रही है उसको, क्योंकि उसका दिमाग और मेरा दिमाग, हम सबके दिमाग बॉडी लैंग्वेज को ज़्यादा परसेंटेज में प्रोसेस कर रहा है, समझ। और दूसरा टोनैलिटी देखें, वो भी इतनी है, 38% है, तो सिर्फ 7% वर्ड्स हैं, तो वर्ड्स का असर तो बहुत कम है। तो जब ये सारी चीज़ें, इसको कहते हैं जो एक दूसरे के साथ बैलेंस में आते हैं, तो जो बैलेंस में आ जाएंगे तो तभी जाके चीज़ बराबर आएगी। अगर इसमें एक ब्लॉक, ये शायद मैंने आपको स्लाइड नहीं दिखाई अभी, पता नहीं स्लाइड कहाँ पड़ी हुई है, उसमें जो है अगर कोई हम चीज़ बना रहे हैं तो उसका एक ब्लॉक टेढ़ा है, एक टेढ़ा है, तो वो चीज़ बराबर बन तो नहीं सकेगी, गिर जाएगी। अगर इसी तरह हमने वो सारे ब्लॉक एक दूसरे के बराबर रखे तो क्या होगा, तो लेवल बन जाएगा, तो जो उसका लेवल है तो वो एक दूसरे के बराबर होगा, तभी जाके काम होगा। तो इसी तरीके से जो मेरे अल्फाज हैं वो उन्हीं अल्फाज के साथ मेरी बॉडी भी वही चीज़ शो करे, मेरी जो टोन है अल्फाजों की, वॉइस की, वो भी करे, तो जाके चीज़ एग्जैक्ट वही काम करेगी। तो ये एक्चुअली बड़े अच्छा, ये सारे जो हमारी कोर्सेज और साइकोलॉजी के जितने भी जो नॉलेज है माइंड के बारे, जो माइंड साइंसेज है, बहुत फ़ायदेमंद है। इनसे जैसे चीज़ें इंसान को पता चलती हैं, जब वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो पता चलता है कि ये कितना अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसमें एक ये भी है कि जो जब हम रिलेशनशिप में कोई बात कर रहे होते हैं तो उसमें अगर वो बिल्कुल एग्जैक्ट हमें ये पता हो कि हम, मैं चाहती क्या हूँ, मुझे किस चीज़ का इशू है मेरे पार्टनर के साथ, तो वो दोनों जब उनसे पूछते हैं और एक टाइम पे वो बंदा हैरान हो जाता है, जो इसकी टेक्निक्स है, न्यूरो लिंग्विस्टिक की प्रोग्रामिंग की टेक्निक, ऐसी ऐसी टेक्निक्स हैं कि जिनके साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम का सलूशन निकलता है। वो रोता क्या है कि वो सिर्फ सिर्फ उनके दिमाग के साथ काम हो रहा था, एक पर्सन इधर बात कर रहा है, एक इधर कर रहा है, और दोनों को जब उनसे क्रॉस, उससे भी सवाल पूछा जा रहा है, ऐसे भी पूछा रहा है, और दोनों के एक पेज पे, मतलब दोनों का दिमाग एक जगह पे आता, तो ऐसे उनके जो है ना उनके प्रॉब्लम के सलूशन होते, और ऐसा उनकी बॉन्डिंग हो जाती है कि वो हैरान हो जाता है बंदा कि ये कैसे हुआ। वो एग्जैक्ट उनसे पूछ, वो एक पेज पे नहीं होते, उन दोनों का, उनसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, इसका में कुछ चल रहा है, तो वो जब दोनों के सवाल पूछे जाते हैं कि आप चाहते क्या हैं, आपका इनसे इश्यू क्या है, कौन सा इमोशन है, जब दोनों इमोशन इकट्ठे बराबर आए तो एक क्वेश्चन उनसे पूछा और वो दोनों का पहचान हो जाता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये वही चीज़ है कि बराबर एक, जैसे मैंने इंटू की मिसाल दी है कि वो एक इधर लगी है, एक इधर लगी है, तो जो है ना बिल्डिंग नहीं बनती। जब उनको बैलेंस के साथ रखेंगे तो एक ब्लॉक बनेगा। तो ये वो चीज़ है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा वर्ड्स का प्रोसेस और टोनैलिटी, ये सारी चीज़ें जो है ना मिलके तो हमारा दिमाग प्रोसेस करता है, और उस लेवल पे फिर साथ मैंने इमोशन की भी बात की कि हमारे इमोशंस भी वही हों, जो इमोशंस हम प्योर कर चुके हैं, नेगेटिव कोई इमोशन ना हो, उस वक्त जो बोलेंगे, जो सोचेंगे वो होगा, किसी को बात कहेंगे, किसी के लिए उसको सोचेंगे तो वही हो जाए। जी बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। जैसे मैंने आपकी ओरा एक्टिवेशन सुननी शुरू की, वो मेडिटेशन सुननी स्टार्ट की थी, उससे भी मुझे बहुत रिजल्ट मिले थे और अभी तक मिल रहे हैं। आप यकीन करें, लोग YouTube पे पता नहीं क्या क्या करते हैं। मैं तो आज सच्ची बात अगर आपको बताऊं ना, मैं तो बस आपको ही देखती रहती हूँ, आपकी कोई ना कोई मेडिटेशन निकलती है और वो चीजें मुझे जो वहां से समझ आ रही होती है ना, और उसके बाद दूसरों की समझ आती है। तो आज भी मैं वो मेडिटेशन सुनती हूँ, करती हूँ, तो मेरी चीजें ज्यादा वर्क करती हैं। अगर इनको स्टॉप कर देते हैं ना, जैसे ईद थी बीच में, हम ईद में थोड़ा सा मसरूफ हो गए, मैं कहूँ मैं अब जो मैं सोच रही हूँ हो क्यों नहीं रहा, लेकिन अब आके 1 वीक के बाद दोबारा से मैं वो स्टेट पे आई हूँ, चीजें होने लगी कि देखिए मैं लोगों से इतना मिलना मिलाना था, वो इतनी नेगेटिविटी थी, कहीं से कहीं बातें सुन रहे हैं, इधर वो बातों का जब आप पे असर होता है ना और आप भी उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है।
बिल्कुल गॉसिप नहीं है ना इसमें, एनर्जी ड्रॉप होती है ना, तो दूसरों की हमारी लोअर साइड पे होगी तो दूसरों की नेगेटिव एनर्जी हमारी तरफ आ जाएगी। हम अपनी एनर्जी को हायर साइड पे जब रखेंगे वो कैसे रख सकते हैं, वो मेडिटेशन से है, वो गाइडेड मेडिटेशन हो, वो सिंपल मेडिटेशन हो, उससे हम अपने आप को प्योरीफाई करते रहेंगे। थॉट्स तो लोगों के हमारे पास वैसे ही भी अटैक करो, जब हम कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ लिंक बना लेते हैं तो उस लिंक की वजह से तो आती है और ज्यादा लोग हमारे बारे में जैसे नेगेटिव सोचेंगे तो वो हमारी बॉडी पे हमारे माइंड पे इफेक्ट करते हैं। तो उसको कैंसिल करने के लिए हम मेडिटेशन करें, चाहे दिन में 5 मिनट करें, 2 मिनट करें, 3 मिनट करें, और फिर अगर गाइडेड करते रहे जैसे और एक्टिवेशन है तो वो अगर हम डेली कहीं जॉब पे जा रहे हैं, कहीं भी है प्रेजेंटेशन किसी से मुलाकात कोई मीटिंग है कुछ भी है, उसमें हम अपना और एक्टिवेशन करें, शुरू में तो सुनते रहे, बाद में अगर इतना हो जाए कि आप इमेजिनेशन पे बैठ के मैं अपना और एक्टिवेट कर रही हूँ, वही जो वीडियो में जो बताया गया किसी मुझसे सीखा किसी और से सीखा जिस किसी से सीखा जा रहा फिर बता उसी को फॉलो करता है, तो उसको फॉलो करें तो आप बाद में नहीं भी सुनते इतनी ज्यादा सुनती है कि वो इमेजिनरी तौर पे करें तो वो क्योंकि वो सुनने में टाइम लगता है, तो आप कहीं भी जा रहे हैं तो फौरन से इमेजिनेशन में और एक्टिवेशन हो गया और उसके बाद काम करें तो किसी भी जगह जाते हैं तो आपका काम फौरन लोग आपसे इंस्पायर होंगे, आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा और जो आप चाहेंगे वही होगा। अच्छा मैम मैंने आपको बताना था अभी ना जो गेस्ट आए थे जरा नमाज के लिए गए हैं तो थोड़ा सा मेरे पास मैं अगर किसी का क्वेश्चन है और उस पे अगर मैंने वर्क किया तो फिर मैं उसका आंसर दे देती हूँ, किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज इन्हें के वो पूछ लें। जी अगर किसी को कोई इसके बारे में क्वेश्चन है तो पूछ लें, ये एक पुरानी स्टूडेंट है और इन्होंने और मेरे बाकी कोर्स भी तो इनका रिजल्ट भी इस क्योंकि ये काफी ट्रांसफॉर्म हुई है, ट्रांसफॉर्म करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत कम लोग होते हैं क्योंकि अपने पर जब काम करेंगे कोर्स तो जगह सब करते हैं, बहुत महंगे महंगे भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने ऊपर काम करना बहुत मुश्किल है, और जो कोई अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता है तो वो टोटली एक ट्रांसफॉर्म होता है, समझ लें कि वो पुराना बंदा खत्म हो गया नया बंदा बनता है, तो उसके लिए अपने पुराने बिलीफ सिस्टम छोड़ना, अपना पुराना सारा वैल्यू छोड़ना, काफी इंसान को ज्यादा हमारा सबकॉन्शियस जो है ना वो रिजेक्ट करता है, नहीं करने देता, तो एक दफा जब बंदा स्टार्ट कर लेता है तो फिर हो जाता है। तो आप इनसे कुछ पूछना चाहती है तो क्योंकि ये भी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, जो क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं पूछ लें। बिल्कुल मैम आपने ट्रांसफॉर्म होने का बताया तो मुझे याद आया, मैं एक ये चीज बता दूं, इस चीज से पहले मुझे ये पता था कि अल्लाह बहुत बड़ा है जो सबको ही पता है, बच्चे बच्चे को भी पता है, लेकिन जब इंसान ट्रांसफॉर्म होता है ना उसको जब इस जुमले की जब डेप्थ पता चलती है तब वो कहता है कि वाकई जैसे ऐसे मैं फिर बातें करने लगी थी जैसे ना नया नया पता चलता है ना कि वाकई अल्लाह बहुत बड़ा है, तो मेरे लेफ्ट राइट जो लोग होते थे कहते हाँ पता है बड़ा है, लेकिन मैं ऐसे इतनी हैरानगी से सबको बताती और इतना उसमें डूब जाती कि वाकई इतना बड़ा है, जब आपको इतनी डेप्थ पता चलती है कि कितनी मखलूकात है इस दुनिया में और ऐसी ऐसी मखलूक है जिनके खाने पीने का सारा इंतजाम अल्लाह ताला कर रहे हैं, वो राजिक है, वो देखिए अपनी मखलूक को कहाँ कहाँ रिस्क पहुंचा रहा है, समंदरों की गहराइयों में जो मखलूक है उसको भी अल्लाह रिस्क अता कर रहे हैं, इंसान हैवान चरिंद परिंद के, उसके बाद आप वो देखें कितनी गैलेक्सीज हैं, कितना एक सर्कल है, कितनी कुल कायनात है, उस सब का खालिक और मालिक अल्लाह है जो शारक से भी पास है, तो इस चीज में भी काफी टाइम गुजर जाता है, जब आप ट्रांसफॉर्म होते हैं आप इन्हीं चीजों में इतना खो जाते हैं कि आप कहते हैं कि हाँ ये चीज ऐसे है, दूसरे समझते हैं चल्ला हो गया, ये तो सबको ही पता है कि अल्लाह तो बड़ा है, लेकिन जब आप ट्रांसफॉर्म होते हैं आपके लिए टोटली सारी चीजें नई होती हैं, आपको ऐसे लग रहा होता है जैसे आपको अभी अभी पता चल रहा है ये सारा कुछ जो कि पहले पता ही नहीं था। बिल्कुल मैंने कहा ये ऐसे है जैसे खुदकशी करना कि नए सिरे से आपने आपको मार दिया और नया एक बार पर्सन बना, तो कोई इतने तादाद नहीं छोड़ता और जब आप छोड़ देंगे तो आपको नए सिरे से हर चीज हर अंदर नए अंदाज से दिखेगी, हर चीज से प्यार हो जाएगा, कोई इंसान लगेगा, लोगों के डिफरेंस भी अपने शेयर होंगे, सब कुछ होगा जब आपने ऊपर काम करके ट्रांसफॉर्म होना है तो वो जब सोचे बदलेंगे
तो आपका मोशन बदलेगा, सब कुछ बदल जाएगा। जी निदा, आपका कोई क्वेश्चन और एक्सपीरियंस पूछना, कुछ बताएं, आप भी बोलें, नहीं है तो मैसेज लिखें। और वो चली गई हैं, रिमशा भी चली गई हैं। चलिए मैम, आप मुझे बताएं आप पैनल की कब स्टार्ट करवा रही हैं दोबारा से? इनके बाद दो कोर्सेज होंगे, एनएलएस का भी और एनएलपी का भी। मेरी कुछ तबीयत ठीक है, महीने के अंदर ये स्टार्ट हो जाए। अच्छा मैम, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। टेलीपैथी ये जो कोर्स करने से पहले बहुत सारी चीज़ों में ना छोटी छोटी बातों पे मुझे गुस्सा जल्दी आता था, तो मैंने एंगर जो मेडिटेशन आपने बताई थी, गाइडेड मेडिटेशन, वो ज़ाहिर बात है अब हमारे अनकॉन्शियस में रजिस्टर हो चुका है सब कुछ, तो वो मैं प्रैक्टिस करती रही। और एक्टिवेशन का भी मैंने काफ़ी किया, नमाज में मैं बार बार ये मेडिटेशन जो आपने करवाई हैं गाइडेड वो मैं करती हूँ, और माशाल्लाह से बहुत ज्यादा मुझ पे मतलब मैं फील करती हूँ कि चेंज आया है मुझ में ना। माशाल्लाह, बस यही चीज है, ये आहिस्ता आहिस्ता ये एक तरह से आपकी सीडिंग हुई है, और सीडिंग देखिए वो आहिस्ता आहिस्ता बीच जब वो जमीन से निकलता है, बड़ा होता है, फिर प्लांट बनता है, फिर उसमें फल लगता है। तो ये चीजें जो जो गाइडेड मेडिटेशन करवाई है वो आपकी सीडिंग हुई है, और आहिस्ता आहिस्ता जब फल लगेगा आप खुद टोटली ट्रांसफॉर्म होंगे, आपके अंदर भी टोटली ऐसा ही चेंज आएगा, फिर आप ऐसे ही लाइफ को देखेंगे और इसका फायदा इस दुनिया में भी और आखिरत में भी उठाएंगे। और आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे और बहुत अच्छा हमारा ये कोर्स चला। और अब लास्ट में आके कुछ लोग शायद बिजी हो गए, एक दो क्लास में कुछ स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कम थी, तो आज भी मैंने कहा कि उस दिन भी कुछ लोग नहीं थे जो उस दिन थे वो आज नहीं है, तो मैंने कहा कि एक लेक्चर ऐसा रखते हैं कि हम, वैसे हमेशा भी ऐसा ही होता है कि एक स्टार्टिंग में भी जो है ना वो थोड़ा बहुत हम अपने बारे में डिस्कशन करते हैं और लास्ट में जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ताकि साथ वालों को भी जो है ना थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है। तो क्वेश्चन कोई अगर नहीं है तो कोई और बात सुना दें, कोई और अच्छी बात कोई ना कोई बंदा सुना दे अपनी तरफ से, टाइम अभी है तो सना आप कोई अच्छी बात सुना दें। जी मैम, अभी वो बात चली रही थी जो आप लोग कर रहे थे दोनों, राहिला और आप, तो उसमें मैंने कहा मैं भी एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दूं। तो डिस्कशन ही तो जी वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस के जैसे आप बात कर रहे थे, तो पर्सनल डेवलपमेंट में तो खैर मैंने बहुत अच्छे से काम करना शुरू किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह काफी मतलब सारी चीजें ऐसी हो गई हैं कि जो है कोई मतलब नेगेटिव थॉट दूसरों के बारे में बहुत मुश्किल, अभी सिर्फ मेरा इतना रह गया कि हाँ वो जो होती है ना सेल्फ डाउट वाली और अपनी थोड़ा सा जो फेयर वाला होता है वो रह गया, अभी मैं उसी पे काम कर रही हूँ। हाँ लेकिन वो जो चीज है ना दूसरों को लेके जो किसी भी किस्म की ना जलन हसद कुछ भी दिया था, वो सब चीजें तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हो गई है। तो उसमें जो है वो इतना मतलब एक टाइम आपका ये भी आता है जो अब मेरा आ चुका है कि जो है वो आपको जो है ना ये जो आपने इंडिविजुअल डिफरेंस की बात की है, इवन ऐसा होता है कि मेरे साथ कोई बहुत बुरा भी कर दे ना, मतलब एक तो ये होता है ना छोटा मोटा बुरा, चले किसी ने बुराई किया कुछ है, एक होता है हाँ किसी ने आपका बहुत नुकसान कर दिया, नॉर्मल उसमें सर्कमस्टेंसेस में लोगों को उस चीज पर गुस्सा आता है या उनके ऊपर वो होता है, मेरे साथ उल्टा हो गया। अच्छा मुझे जो है ना इवन अगर कोई मेरे साथ बहुत बुरा भी कर गया, मुझे उस बंदे की वो समझ आ रही होती है कि यार वो कितना पेन में, उसके साथ क्या हुआ है, जो वो उसका रवैया उसका बिहेवियर उसका पैटर्न उसका साइकिल ऐसे बन गया, उसके साथ क्या हुआ होगा जो आज वो इस तरह से कर रहा है। तो वो जो स्टेज होती है ना वो वाकई वो बहुत मतलब आप जब उस स्टेज पे पहुंचते हो ना तो वो जो इंडिविजुअल डिफरेंस तो बहुत पीछे रह जाता है, वो मतलब आपको उस बंदे से हमदर्दी हो रही है जिसने आपके साथ इतना बुरा कर दिया। नॉर्मल लोग कहते हैं मैं उसको मार दूं जान से, मैं कहती हूँ नहीं यार, तो ये तो मेरे को तो जो उसने किया कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कोई तकलीफ नहीं कि मैं समझ गई कि ये तो ये बंदा है इसके साथ मसला है, मेरे साथ कुछ नहीं है, मैं ना चीज को पर्सनल लेती हूँ ना कुछ है, तो और मैं आगे से उसको दुआ ही दे रही हूँ तो कि अल्लाह इसकी जो तकलीफ है वो खत्म कर दे ताकि इसका जो बिहेवियर है समझे, उसमें वो जो थी ना इवन इसके बाद जो है ना जो नहीं हमारी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर उस पे
दुआ देते थे अल्लाह इसको हिदायत दे, ये नहीं जानते क्या कर रहे, मुझे उसकी जो मीनिंग है ना बहुत अच्छे से अब समझ आ गई है कि वो क्यों कोई बुरा भी करता था उसके लिए ये दुआ करते थे। वो इसलिए करते थे क्योंकि वो उनको पता होता था कि अल्लाह इसको नहीं पता ये क्या कर रहा है, इसको हिदायत दे, मेरे साथ तो कुछ नहीं किया इसने, अपने साथ किया जो किया। पहचानेगा तो डेफिनेटली फिर ये काम जोर से हो रहे वो नहीं करेगा। मैं भी यही, ये बहुत अच्छा माशाल्लाह आपका, बहुत आपका जो लेवल है ना ये शऊर के हमारे दर्जे, तो आपने अपने आप को उस दर्जे पे काफ़ी ऊपर कर दिया हुआ है। जो मैंने अभी स्टार्ट में कहा कि तीन सिमिलर जो दर्जे हमारे एनिमल के साथ हैं, चौथा जाके कि इंसानियत, पांचवा शऊर, छठा वो उसका स्पिरिचुअलिटी का, रूहानियत का, फिर छठा सातवां ऐसे आता है। अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही हम सबको करना चाहिए। आपका जो शुकूर का दर्जा, तो अब आप हमारे लिए ज़रूर दुआएं कीजिएगा, इर्द गिर्द लोगों के लिए भी दुआएं। आपकी दुआएं जब इस लेवल पे आ जाते ना तो दुआ भी कबूल होती है, तो आपने हमारे लिए ज़रूर दुआ करनी है, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए और बाकी लोगों के लिए भी। नादिया ने लिखा कि अल्लाह आपको अच्छी सेहत दे, और आई थिंक दिस इज़ द ट्रू लर्निंग जिसमें दीन और दुनिया दोनों पे फोकस है, रूहानी बीमारियों को ख़त्म करने की कोशिश करनी है। ग्रेट, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे बैठ के तो बड़ी बड़ी बातें करना, ये भी है, ये भी है, बड़ी जार्गन लैंग्वेज भी सारा कुछ हो सकता था। मैंने हमेशा ये चीज़ नाम ही देखें, जो जिस तरह से अब माशाल्लाह सना है, जिस लेवल पे वो हैं, इसी तरीके से अगर मैं ये सोचूँ तो मैं ये लफ्ज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता कि मैं ये कहूँ कि दूसरे का माइंड आपके कंट्रोल में, अब आप जो चाहें आप करें, हायर लेवल पे जाएं, ये करें वो करें, मुझे ये बिल्कुल भी मेरे अल्फाज की अदा हो ही नहीं सकते। इसलिए मैंने इस कोर्स को इस तरह से टर्न किया कि साथ साथ जो एक स्किल है और उसके साथ साथ जो है ना आपकी वो आपकी पर्सनैलिटी में ऐसी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए और ऐसी लर्निंग हो कि सिर्फ और सिर्फ हम इसी उसमें ना पड़े रहें दुनिया में ही, और अपने इस चीज़ को इस्तेमाल करते फिरें। तो अल्लाह करे कि मेरी ये कोशिश कामयाब हो, और आप जितने लोग मेरी कोर्स में आए जो टेलीपैथी में हैं, सब के सब बहुत अच्छे ट्रांसफॉर्म हों, और वो दुनिया में भी सदका जारिया मेरे लिए बने और आखिरत में भी। मैं कोई ऐसी चीज़ ना बता सकूं कि मेरे कुछ किसी ऐसे इलम से कि जो मेरे लिए भी अजाब जारिया बने यहाँ पर भी और आखिरत में भी। तो मैं हमेशा जितने लोग मुझसे कोर्स करके गए, मैं जब भी दुआ करती हूँ, जो सुबह शाम की दुआएं, मैं उन सबको दुआओं में याद रखती हूँ। मैं जुमला टेलीपैथी के जो बैज है मैं माइंड में ले आती हूँ, मैं उनके लिए दुआ कर देती हूँ। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप भी मेरे लिए ऐसे ही दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आपको लगे कि ये आपका फ़ायदेमंद कोर्स था और मेरे बाकी कोर्स भी, तो ज़रूर अपने इर्द गिर्द लोगों में शेयर कीजिएगा, हो सकता है कि किसी और को भी जरूरत हो और वो भी फायदा ले सके। नहीं मैम, अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो पॉजिटिविटी वगैरह जो है ना जो इसमें डाली है, वही चीज जो है इसको ज्यादा जानदार और कनेक्टेड करती है हमें ना आपसे भी। और आपकी बेशक बहुत दुआएं हैं मेरे लिए भी, और सब भी आपको देते रहते हैं, और जितने आपके स्टूडेंट्स है, इवन अभी आपके तबीयत का बताया तो मैंने उसी वक्त जो है वो मेरे खुद निकला के जो है ना, नहीं मैम अल्लाह मतलब सेहत दे माशाल्लाह से, और सिखाती रहे सबको, क्योंकि ये भी बड़ा एक समझे कि अच्छा आपका वो है सवाब का काम है कि आप अपनी लर्निंग भी किसी के साथ बांट रहे हैं। और वही जो आपने बात की बांटने वाली, उस पर मुझे एक और बात याद आई, मेरी एक दोस्त थी, है अभी भी, अच्छा उसने जो है कहीं NLP की जिस तरह से क्लासेस ली थी, क्लासेस मतलब कितने सेशन लिए थे NLP के, अच्छा वो कर करके अब उसको तो मतलब उसने कोर्स नहीं किया था, उसको कुछ नहीं पता था, लेकिन उसने क्या करना शुरू कर दिया, अब जैसे उसके पास कोई आता था ना तो वो आके जो है ना वो लोगों को मतलब वो उनपे वो करने लग गई मेडिटेशन की, अच्छा मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम आओ, उनके काम कराने लगी ये वो ना। अच्छा तब भी मैंने ये वाला आपका कोर्स तो अभी किया है ना, उस वक्त भी मुझे जो है ना थोड़ा सा ये होता था, क्योंकि वो चीजें नेगेटिव में जा रही थी, वो कोई प्रोफेशनल नहीं थी, कुछ नहीं थी, हाँ ये है कि उसका फोकस, उसकी मतलब विजुअलाइजेशन इतनी थी कि वो वाकई लोगों के काम करा देती थी,
और वे चीज मैंने भी देखी कि मेरी अपनी दोस्तों कितने उसके पास लोग आए और वो फटाफट सबके काम हो रहे थे, लेकिन जब आपसे शुरू में ही जो है वो आपने इस तरह गाइड किया ना, तो मेरी उससे लास्ट बात हुई थी, फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा देखो मैं अभी कोर्स ले रही हूँ और मैम ने हमें ये बात बताई थी कि मैं कहा मैंने तुम्हें पहले भी ये चीज जो है वो नोटिस की थी कि तुम ऐसे कर रही हो, लेकिन उस वक्त मेरे पास इल्म नहीं था, लेकिन अब मैंने खुद ये चीज सीखी है तो मेरा भी फर्ज है कि मैं तुम्हें गाइड करूं। मैं कहा तुम जो है ना बिल्कुल या तो तुम कोर्स कर लो ताकि तुम्हें चीजें जो है समझ आए, क्योंकि वाकई उस बंदी का फोकस वो होता है ना मैम नेचुरली, इस तरह आपने कहा कि हम लोग सब में कुछ ना कुछ है जो हम ये सीख रहे हैं उसमें है, और इतना जबरदस्त है कि वो वाकई ना एक सेशन में लोगों के काम करा देती, कोई भी उसके पास कुछ भी आए, इवन मतलब उसकी बहन आए कि उसके शौहर पैसे नहीं दे रहा, वो एक सेशन उसका शौहर फोन करके उसको पैसे देता है, तो ऐसी ऐसी उसने चीजें की हैं वाकई। लेकिन ये कि वो कहीं ना कहीं लाजमत है, फिर वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालती है, उसको पता नहीं है। मैं मेडिटेशन करवाती है, जिस तरह आप गाइडेड मेडिटेशन कर रहे थे ना, उसने NLP सेशन दिया, उसको कराया ना उन्होंने, तो वो उससे उसने पिक कर लिया कि अच्छा ऐसे होता है, वो लोगों को कराने लग गई कि अच्छा तुम्हारे काम नहीं हो रहे, तुम ऐसा करो मेरे पास बैठो, और जो है वो उनके मेडिटेशन सेशन कराने लगी। अच्छा। और वाकई उससे लोगों के काम होने लगे। अच्छा, वो उनके दिमाग, लेकिन मैम वो वही हो जाता था। हाँ, और वो हो जाता था। अब वो उस बंदी का वाकई खुद का लाजिम आता है, जब फोकस और विजुअलाइजेशन ये सब चीजें एक्सपर्ट थी, तभी तो लोगों के साथ भी हो रहा था कि वो करा पा रही थी, लेकिन मसला है कि उसे पॉजिटिव नहीं था। अब वही चीज है कि अब जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी कि वो बहन को उसने बोला उसके शौहर ने पैसे दे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता होती कई चीजें, अब वो उसमें क्योंकि मैं तो पहले भी देख रही थी, मैंने उसको पहले भी मना किया था बिल्कुल, मैंने वो क्या पता वो खातून एग्जैक्टली बिल्कुल मैं हाँ, और मुझे ये चीज बहुत पहले भी रियलाइज हुई थी, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था, तो फिर मैंने खैर उस वक्त उसको हल्का सा बताया था, लेकिन अब तो मैंने ना उसको फुल कोट करके बताया आपका ना कि देखो मैं अब कोर्स ले रही हूँ, अब मुझे पता है कि जो है ना ये जो है तुम्हारी नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि तुम से पॉजिटिव नहीं खेल रही, तुम नेगेटिव भी खेल रही हो। अब किसी दूसरे बंदे की क्या इंटेंशन है, शायद तुम्हारी नहीं हो इंटेंशन, लेकिन दूसरे की इंटेंशन बुरी हो सकती है, किसी का नुकसान होगा, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तुम उसमें शामिल हो गई, बिल्कुल किसी का कुछ किया तुम शामिल हो गई ना। मैंने फिर उसको बहुत समझाया, मैंने कहा देखो अब तुम्हें कोर्स कर रही हो, मुझे पता है अब जो है ना ये गलत कर रही हो, तो अब या तो मैंने उसको यही बोला, मैं कहा तो तुम प्रॉपर कोर्स करो, क्योंकि मैंने ये मैं कहा ये तो है तुम में नेचुरल है, तुम कर सकती हो, लेकिन अगर उसको डायरेक्शन सही दे दो ना, तो फिर तुम उसको पॉजिटिव वे में लेके चलो, उसको सिर्फ मतलब तुम्हें पता चल जाए कि क्या है क्या नहीं। नहीं मैम फ्री में आपस में ही, मतलब कोई वो नहीं है, जैसे दोस्त कोई दोस्त आया, कोई बहन है उसका मसला है, कोई कजन का मसला है, आपस में काम हो रहा है। हाँ वो शुगर में भी नहीं कर रही मैम, उसको खुद भी पता है कि वो बड़ा उसने सीरियसली इस चीज को छेड़ से पता है, क्योंकि जो है ना उसने इतने बड़े बड़े काम कराए ना, मतलब लोगों के लाखों निकलवाए, उसने लोगों के लाखों रुपए फंसे हुए थे निकल गए उनके साथ। ये जो करती है ना वो सबसे पहले लोगों के साथ बॉडी लैंग्वेज मैच करती है। NLP में ही कहा जाता है रेपो बिल्डिंग, वो भी पता कितना डर रेपो बिल्डिंग होती है कि वो आप दूसरों के बॉडी लैंग्वेज से मैच करते हैं, अल्फाजों से मैच करते हैं, और उसमें जब मैचिंग हो जाती है तो दूसरों का दिमाग आपके कंट्रोल में हो जाता है, तो इस पर्सन उसके पास आता है, वो बॉडी लैंग्वेज मैच करके उसको रेपो बिल्ड करके, तो रेपो बिल्ड करने के बाद सजेशन डाल देती है उनके दिमाग में, उनको सजेशन उनका सबकॉन्शियस काम करता है, और वो बंदा मतलब उनके पास जब वो जाती है तो सबकॉन्शियस मतलब खुद ब खुद दे देता है। ये भी आप नहीं मैम मुझे क्योंकि एहसास है कि वो मतलब ना हाँ नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा था, कि मैं बार दफा क्योंकि मैंने उसे देखा भी था, वो खुद इतने गुस्से में होती थी ना, कभी कभी ऐसे भी करती थी कि मतलब किसी से बहुत ज्यादा गुस्सा है, जलन है, फिर वो उसमें कर रही है, तो वो लाजमी होता है नेगेटिव इम्पैक्ट तो फिर होगा ना। पहले तुम ये चीज तो समझो कि तुम्हारी इंटेंशन सही हो,
तुम पॉजिटिव चीज को कर रहे हो कि नहीं कर रहे, तो मुझे आपसे खैर बड़ा अच्छा वो फिर जब मुझे समझ आया ना, फिर मैं उसको लॉजिक और फैक्ट्स के साथ बताया, मैंने कहा भाई ऐसे नहीं, अब मुझे पता है। बात की कि आपने ये कहा कि अब मुझे ये बात पता चलती है कि ने किया ये शोर का तो बहुत आला दर्जा, ये आठवां दर्जा उनका, सातवां आठवां तो लोग तो तीसरे दर्जे से ऊपर नहीं गए, वो उसका दर्जा भी अब मैं कह नहीं सकती किसी के लिए, लेकिन वो खुद अगर जज करें तो पता चलता कि जब आप रिवेंज ले रहे हैं आपका दर्जा तीसरे वाला दर्जा तीसरा, तो आपने कहा कि मैं उसके लिए दुआ करती हूँ, तो ये दर्जा वाला, तो जब इंसान उस दर्जे में ना जाए तो ये तो ज़रा यहाँ भी नुकसान है बाद में भी नुकसान। तो आपने देखेंगे बिल्कुल आपकी वो दोस्त है, आपने सीखा आपका, तो अब जैसे मैं कहती हूँ कि हमारा तो फर्ज है कि हम इधर लोगों को पकड़ पकड़ के उनको भी आखिरत उनकी सही करें दुनिया से, वो भी माइंड के साथ कनेक्ट करें, उसमें ये है कि बिल्डिंग सीखें, रैपिड बिल्डिंग जब सीख ले अपने के बिल्डिंग से हमने खुद को खुद क्योंकि आपके उस कनेक्शन कर रहे वो तो ऐसी है, वो सिखाते हैं वो जादू है और लोग जी जी, तो एक और चीज है कि वो आंखों के ट्यून में होता है, वो ऊपर की डिटेल है उसमें पता चलता है बोल रहा है क्या, और जो बात उसके दिमाग में डाल दी वो डल गया, सब कॉन्शियस में चला गया, तो आई कलर से वो पता चलता है, तीन कलर से पता चलता है जो उसने सीखी हो सकता है, वो चंद एक उसने सीखी हो जो ये वो साथ वो भी अप्लाई कर रही है, साथ मेडिटेशन भी कर रही है, ये दोनों चीजें वो कर रही है, उसमें उनका माइंड कंट्रोल में आ जाता है। तो बहरहाल आपसे तो रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा इसको पॉजिटिवली यूज करें, अच्छा रिजल्ट आएगा, दुनिया में तो वक्त गुजर ही जाना है, हमने आखिरत को जो ना वो सीधा करना है कि जो हमें बताया गया, हम कुरान को तफसीर से पढ़ें, तर्जमे से पढ़ें, सीरा को पढ़ें, जो सीरत नबी है हमारे जो अंबिया है, आजकल तो यूट्यूब पे बिल्कुल बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जिसकी आपको समझ आती है वो आप कुरान तफसीर से सुने, साथ जिसकी सीरत की समझ आती है वो सीरत सुने कि हमारे अंबिया ने कैसे काम किया, कुरान का जब हम तफसीर सुनते हैं बहुत सी चीज़ें हमें समझ आती हैं, तो अब तो हमने अपनी अपने ऊपर तो काम कर ही रहे, जब उस एंगल से वो चीज़ें भी सुनेंगे तो हम अपने आप को, अपनी आखरत को, अपनी दुनिया को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जो जाहिर है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इंसान सोचता है कि मैं खुद से कम करूं, वो नहीं होती, वो ज़रूर थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है, वो थोड़ा सा आपको गाइड करेंगे, वो आपके दिमाग के साथ कनेक्ट करके आपके दिमाग से कुछ चीज़ें जो ऐसी होती हैं एंकर हुई होती हैं वहाँ चिपकी होती हैं, वो खुद इंसान नहीं निकाल सकता, तो उसके लिए ज़रूर किसी ना किसी से करें, ताकि इंसान के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो तकलीफ हुई, किसी ने हर्ट किया या हमारी आदतें बनी, आदतें ऐसी बन जाती हैं कि वो हम खुद आसानी से चेंज नहीं कर सकते, तो उसके लिए जरूर आप थेरेपिस्ट के पास जाएं, उसके बाद कोर्सेज करें, लर्न करें, फ्री में भी बहुत सी चीजें पढ़ी होती हैं, इतनी ज्यादा फ्री में चीजें पढ़ी हुई हैं, एनएलपी की भी पढ़ी हुई हैं, जो चीजें अगर आप नहीं कर सकते तो फ्री में आप पूरी सुन लें, पूरी पूरी वीडियो है, पूरे पूरे कोर्स हैं, इसी तरह तो हिप्नोथेरेपी के हैं, रेकी के हैं, वो सारे कोर्सेज अगर बंदा नहीं भी कर सकता तो अपने ओन पे कर ले, नहीं तो जिस पर्सन की समझ आती है उससे करें, अपने ऊपर जरूर काम करें जी। अभी मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम रह गया, नादिया आप कुछ और बताना चाहें कोई अच्छा, जैसे ये माशाल्लाह सना ने शुरू में ही बताया था काफ़ी माशाल्लाह इनका अच्छा पहले से ही सेल्फ डेवलपमेंट पे इन्होंने काम किया हुआ है, और जो चीज़ें थी उन्होंने सीखी, आपका अपना काफ़ी जो है ना इंट्यूटिव लोग होते हैं, कुछ अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना वो इंट्यूटिव होते हैं, इमेजिनरी तौर पे उनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, विजुलाइजेशन अच्छी होती है, लेकिन उनको कोई जब रास्ता नहीं मिलेगा, कोई गाइडलाइन नहीं मिलेगी तो उन्हें समझ नहीं आती। मेरे पास अभी कल भी एक क्लाइंट था, मेल है वो भी, उससे मैंने वो कहे मेरे सर के ऊपर वाले हिस्से में दर्द होती है, तो उसकी भी ज़ाहिर है छठीस जो है ना वो कभी बार बार जब छठीस खुलती है चीज़ें उसके पास, जैसे वो हमारे सिग्नल, मैंने पहले भी बताया कि व्हाट्सअप जैसे हमने वाईफाई लगाया तो बहुत से ज़्यादा से सिग्नल, इतने से मैसेजेस आ गए, तो इसी तरह से जब यहाँ सर में दर्द कुछ लोगों को हो रही होती है तो उसमें ये होता है कि उसके पास बहुत सारे जमा हो चुके होते हैं मैसेजेस, वो उनकी छठीस खुली होती है, उन्हें पता नहीं होता कब खुली कैसे खुली, तो वो उस पर्सन के साथ भी ऐसे है कि वो उसकी लोगों की तरफ से जो कुछ डिजीज़ कैच हो गई, समझ सेंस हो गई, कुछ टाइम के लिए होती है, डॉक्टर के पास जाओ टेस्ट कराओ लेकिन उसका होता ही नहीं है, वो कुछ टाइम बाद फिर वो ठीक हो गई,
फिर दूसरा प्रॉब्लम हो गया तो वो ये होता है कि उसकी छट्टीस भी खुली हुई है और उसकी बॉडी सेंस कर रही है। और ये पैरासाइकोलॉजी तो हर एक को पता ही नहीं है, किसी डॉक्टर किसी साइकोलॉजिस्ट थेरेपिस्ट जिसने अगर पैरासाइकोलॉजी में नहीं किया हुआ वो उसको ऐसी ही दवाइयाँ ऐसे ही चीज़ों की तरह लगाता रहेगा, टेस्ट कराएंगे टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल होगा। तो उसको मैंने फिर सारी चीज़ें बताई हैं कि आप अपने आप को जो है ना ओवर थिंक नहीं करो, आप कोई भी चीज़ है उसके ऊपर सोचना बंद करो, अपनी सोचों पर कंट्रोल करो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो और मेडिटेशन करो कि फोकस रहो कि आप कुछ भी ना सोचो, फिर देखना आप कितना बेहतर हो गया। अब देखें कहाँ उसको इतने इतने लोगों के पास गया होगा, कहाँ उसने कितना कुछ किया, लेकिन पैरासाइकोलॉजी का अगर किसी ने किया हो उसको तभी समझ आती है कि ये बंदा अब इसको थेरेपी की ज़रूरत है, इसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, या इसको जो पैरासाइकोलॉजी की चीज़ें उसकी तरफ लेके जानी है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाना है। तो ये बहुत कम लोगों को ऐसा पता, वो फिर सारा ही बीमारी में डालते हैं। तो ये आप सबके अंदर भी माशाल्लाह देखें, आप इंट्यूएटिव थे, आपके अंदर काफ़ी विजुअलाइज इमेजिनेशन थी, चंद चीज़ें थी जो आपको लाइन में लगानी थी, जो स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको आपसे मिलवाऊंगी। तो आई होप सो कि मैं इसमें कामयाब हुई हूँ, आप लोगों को कुछ चीज़ें जो नहीं थी वो सिमेट्राइज हुई, समझ आई और अपने आप से आप मिले। क्या ऐसा ही है? टाइप करें यस और बताएं, बाकी तो है ही नहीं। आप दो लोगों ने के साथ ऐसा हुआ? जी मैम बिल्कुल ऐसे ही है, काफी सारी चीजें मैंने आपको शुरू में डिस्कस भी की थी कि वो चीजें नहीं समझ आई थी, अभी समझ आने लग गई हैं। अभी ये कि एटलीस्ट अवेयरनेस हो गई है, अब आहिस्ता आहिस्ता वो जिस तरह से राहिला ने भी कहा कि चीजें जो हैं वो आप डेवलप करते हो, जब फिर खुद अपने आप को समझते हो कनेक्ट करते हो तो वो चीजें और फिर समझ आती रहेंगी मजीद। लेकिन ये कि एटलीस्ट गाइडेंस मिल गई है कि जो है अच्छा ये ऐसे होता है वैसे होता है, तो फिर आप मजीद इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, डॉट से डॉट मिलेगा, आप चीजें कनेक्ट करते जाएंगे, आपको समझ आती जाएगी, आपको अपने बारे में और ज्यादा पता चलना शुरू हो जाएगा आपको। जी अच्छा एक और बात मैम, जी जी अच्छा मैम इसमें एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन का फैक्टर आ गया है ना, कि पहले एक बेचैनी, अब वो बेचैनी खत्म हो गई, अब ये होता है कि चलो ये जो है हमने अपने आप को पहचान लिया है, इन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करते हुए हम अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो एक इस तरह मुझे ना मैं मुतमईन होने लगी हूँ मैं बहुत ना बड़ा। जी जी बिल्कुल, ये कहीं से सुकून आप पैसों से नहीं खरीद सकते, सुकून आप रिलेशनशिप से नहीं खरीद सकते, सुकून किसी चीज से नहीं, और ये जितना बड़ा ये चीज मिली है ना इसकी कोई वैल्यू ही नहीं। थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन, आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको इसका अजर दे दे, आमीन। मैं तो दुआओं में हमेशा आपको याद रखूंगी। जरूर, अब मुझे मैं खुद आपको याद रखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा आप जैसे स्टूडेंट मिले और आपके ये कमेंट्स के आपको सेटिस्फेक्शन मिली, ये देखिए कितना ज्यादा मेरे लिए भी कि मैं किसी की जिंदगी में इसका इतना सा कतरा सा जो है ना वो एक अच्छाई का बन के उतर सकी। काम तो देखिए दुनिया में चल रहे हैं, यहाँ सारा कुछ हो रहा है, लेकिन किसी की जिंदगी में कोई थोड़ी सी भी आसानी पैदा कर लेना, उसके सफर को आसान कर देना, बस ये कितना बड़ा बिल्कुल मैम दूसरों के सफर को। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू आप लोगों का भी। मैम दो मिनट है मैम, मुझे एक और बात याद है कि वो जो आपने इस तरह से बताया था ना नेगेटिविटी दूसरों की भी आप अपने साथ वो एक प्रोटेक्टिव अपने आप को कर लो और जो है वो इस तरह से फील करो, तो वो हाँ वो भी मैंने पहले क्या होता था, पहले जो है ना मुझे मैंने आपको शुरू में बताया था कि एनर्जी मुझे फील होती थी, तो वो मैं जो मुझे समझ नहीं आती थी तो जो है ना मैं बहुत ज्यादा ओवरवेलम हो जाती थी, मतलब मुझे समझ नहीं आता, मैं खुद नेगेटिव डाउन फुल डे मेरा खराब ना, तो अब मुझे जब वो चीज पता चल गई ना एकदम से, कोई इवन नेगेटिव या गॉसिपिंग भी चल रही होती है ना कुछ चीजें ऐसी होती है आप अवॉइड नहीं कर पाते हो, लेकिन ये कि मैं खुद को उस वक्त वहां बैठे बैठे जो है ना वो एक वो इसी तरह से विजुलाइजेशन करती हूँ कि मैं मतलब प्रोटेक्टिव एक उसमें हूँ नूर की उसमें चारों तरफ, और वो बाकी ऐसे होता है फिर वो मैं फिर मेरा सारा दिन अच्छा गुजरता है, मैं उसमें नहीं जाती अपने मैं डाउन नहीं होती ओवरवेल्म नहीं होती, तो वो भी आप देखेंगे जब किसी से बातचीत होती है तो आप जैसे मैंने एक बताया था ना कि नॉबी से आप कनेक्शन आप वो नौ आप इमेजिन में जाके आप देखें कि आपने फला पर्सन के साथ जो बातचीत हुई है कनेक्शन काट दिया, आप ये भी कर ले और अपने इर्द गिर्द जो ना एक दायरा बना ले कि कोई पर्सन मुझे किसी की नेगेटिविटी नहीं आएगी, आपने इमेजिनेशन में जाके तो अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करके आपने फौरन अपने इर्द गिर्द एक दायरा बना लेना और उसके दूसरे बंदे का कनेक्शन नॉबी से जो है ना वो आप सोचें कि डोर है काट देनी है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, फिर कभी भी नेगेटिविटी आपको नहीं आएगी। टाइम खत्म हो रहा है।